वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर नंबर 8 फ्रॉम आवर डिस्कवरिंग साइंस बुक. द नेम ऑफ द चैप्टर इज लाइट. सो लाइट आपको पता है क्या होता है? रोशनी. एक ऐसी चीज़ जो हमें किसी चीज़ को देखने में हेल्प करती है, उसको बोलते हैं हम लाइट. सो लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट्स क्लियरली एंड प्रॉपरली. ओके, नाउ कम ऑन टू पेज नंबर 101. वी आर बिगनिंग विद द न्यू वर्ड्स. फर्स्ट न्यू वर्ड इज नॉन ल्यूमिनियस. ऐसी चीज़ जिसकी खुद की कोई लाइट नहीं होती, उसको बोलते हैं नॉन ल्यूमिनियस. ओपेक क्या होता है बच्चे? एक ऐसी कोई भी चीज़ जिसके दूसरी साइड हम देख नहीं सकते. लाइक एक वुडन डोर है, वुडन डोर के दूसरी साइड हम नहीं देख सकते ना, उसको बोलते हैं ओपेक. ट्रांसपेरेंट वो होता है जिसके दूसरी साइड हम देख सकते हैं. लाइक हम एक ट्रांसपेरेंट शीट लेते हैं जो उसके दूसरी साइड हमें दिखाई देता है ना, विच वन कैन सी थ्रू. ओके, ल्यूमिनियस वो चीज़ें होती हैं जिनकी खुद की लाइट होती है. लाइक सन की खुद की लाइट है ना, तो वो ल्यूमिनियस है. ट्रांसलूसेंट क्या होता है बेटा? ट्रांसलूसेंट वो होता है जिसमें से लाइट या जिसके दूसरी साइड हम कुछ ब्लरी सा देख पाते हैं, प्रॉपर क्लियर नहीं दिखता, ब्लरी दिखता है. और स्टीलर होता है, स्टार से रिलेटेड वर्ड है. ओके, नाउ कम ऑन टू पेज नंबर 102. टॉपिक इज लाइट. वी सी मैनी डिफरेंट थिंग्स सच एज कार, पीपल, बर्ड्स, एनिमल्स अराउंड अस. वी कैन क्लियरली सी देयर डिफरेंट कलर, शेप एंड साइज. हम अपने आसपास बहुत सी चीज़ें देखते हैं, हमें उनके कलर, शेप भी सब कुछ प्रॉपरली दिखाई देता है. डू यू थिंक दीज ऑब्जेक्ट्स वुड बी विजिबल टू अस क्लियरली इवन एट नाइट. हमें कुछ ऐसी चीज़ें जो रात को भी दिखाई दे जाती हैं कई बार. सो लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. वैन वी एंटर अ रूम, डार्क रूम, वी कैनॉट सी द ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट इन द डार्क रूम क्लियरली, बट वैन यू स्विच ऑन द लाइट एवरीथिंग बिकम विजिबल. कैन यू गेस वाई? अब आप एक अंधेरे वाले कमरे में गए, वो कुछ दिखाई नहीं दिया, बट जैसे ही आपने स्विच ऑन किया लाइट का, आपको सब कुछ दिखाई दिया. क्यों? रूम में ऐसा क्या आ गया? रूम में आ गई लाइट. द ऑब्जेक्ट्स इन द फर्स्ट केस आर विजिबल टू अस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सनलाइट. जब हमने दिन में देखा कुछ, तो दिन में तो सनलाइट थी, तो हमें सब कुछ दिखाई दिया. सेकेंड केस में थिंग्स आर नॉट विजिबल इन द एब्सेंस ऑफ लाइट, बट द लाइट एमिटेड फ्रॉम द बल्ब हेल्प अस टू सी ऑब्जेक्ट्स अस क्लियरली. पहले हमें कुछ नहीं दिखाई दिया ना सेकंड केस में, जब अंधेरे वाले कमरे में गए, बट जैसे ही हमने लाइट ऑन किया, हमें सब कुछ चीज़ें दिखाई दी, क्योंकि बल्ब से क्या आई? लाइट आ गई. तो एनर्जी दैट अनेबल अस टू सी द ऑब्जेक्ट अराउंड इस इज नोन एज लाइट. तो एक ऐसी एनर्जी जो हमें आसपास की चीज़ों को देखने में हमारी हेल्प करती है, उसको बोलते हैं लाइट. इन अदर वर्ड्स, लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जनरेटेड बाय लाइट सोर्स दैट मेक्स थिंग्स विजिबल. लाइट एक ऐसी फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो किसी लाइट सोर्स से बनती है और हमें चीज़ों को देखने में हमारी हेल्प करती है. लाइट इज़ नाइदर सॉलिड नॉर लिक्विड नॉट गैस. तो लाइट ना ही सॉलिड है, ना लिक्विड है, ना ही गैस है. हाउ डज थिंग्स मेक्स अस सी थिंग्स? लाइट मेक्स अस सी थिंग्स. लाइट हमारी मदद कैसे करती है चीज़ों को देखने में? एज लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट. कोई भी लाइट जब किसी चीज़ पर आती है, इट बाउंस बैक ऑफ फ्रॉम द सर्फेस टू द ऑब्जेक्ट. तो वो सर्फेस ऑफ ऑब्जेक्ट से बाउंस बैक होती है और हमारी आंखों में आ जाती है. द लाइट एंटर इन अवर आइज. द आई सेंस इट. आइज उसको सेंस करती है और मैसेज करती है ब्रेन को, और फिर ब्रेन हमें बता देता है कि वो चीज़ क्या है. विदाउट लाइट वी कैन नॉट एक्सप्लोर द ब्यूटी ऑफ नेचर और सी थिंग्स अराउंड. अगर लाइट नहीं होती तो हम नेचर की ब्यूटी को भी नहीं देख पाते कभी. बेटा लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में पास होती है. लाइट ऑलवेज ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन. इट कैन नॉट ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ रे. इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ रे और बीम. की बीम होती है ग्रुप ऑफ रेज और रे होती है एक सिंगल रे जो जाती है. ये देखो बेटा, ये है बीम्स और ये एक रे. ओके, रे ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, वेयर एज बीम ऑफ लाइट इज रिप्रेजेंटेड बाय ग्रुप ऑफ एरोज. ओके, लाइट टेक फ्रॉम द सन टेक्स अराउंड 8 मिनट्स 20 सेकेंड टू रीच अर्थ. जो सन की लाइट है वो अर्थ पर आने के लिए 8 मिनट्स लेती है. हम एक एक्टिविटी, इससे आपको पता लगेगा कि लाइट जो है वो स्ट्रेट लाइन में पास होती है नहीं होती. इसमें आपने क्या करना है, कैंडल को लाइट करना है टेबल पे, एक शीट ऑफ पेपर लेना, उसके फोल्ड कर लेना एक पाइप की तरह. अब एक फ्लेम को आप उसके थ्रू देखो, जैसे फिर इंस्टाग्राम में दिखाया हुआ है. अब आपने क्या करो, पाइप की पोजीशन थोड़ी नीचे कर दो, फिर देख के देखो, तब आपको नहीं दिखेगा. क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अब आपने उस स्ट्रेट नहीं है बिल्कुल, लाइट जहाँ जग रही है, कैंडल जहाँ जग रही है उसके बिल्कुल स्ट्रेट होगा तो आपको कैंडल दिखाई देगी. नेक्स्ट है एक्टिविटी, आपने कैंडल लेनी है, 3 पीस ऑफ कार्डबोर्ड लेने जैसे इस डायग्राम में लिए हुए हैं सेम साइज़ के. और 3 कार्डबोर्ड लो, मेक अ टाइनी होल, ऑल द पीसेस कार्डबोर्ड सेम हाइट. तीनों में होल बनाने हैं सेम हाइट और सेम प्लेस पर जैसे डायग्राम में बने हुए हैं. नाउ प्लेस दिस कार्डबोर्ड ऑन टेबल वन आफ्टर एज शोन द फिगर.
श्योर दैट ऑल आर इन स्ट्रेट लाइन, तीनों को एक लाइन में रखना और इस तरह रखना है कि तीनों होल जो है वो एक लाइन में आ जाए। ऑल्सो प्लेस द लाइटेड कैंडल एट वन एंड विद द फ्लेम ऑन द सेम हाइट एज द होल, फिर एक कैंडल जगानी है जिसकी जो फ्लेम की हाइट है वो होल्स की हाइट की जितनी हो। नाउ क्लोज द डोर एंड विंडो ऑफ द रूम, अब रूम की विंडो डोर्स बंद कर दो, सी द कैंडल फ्रॉम द होल्स, अब आप होल्स को होल्स में से कैंडल को देखना है, क्या आप कैंडल को देख पा रहे हो? हाँ जी देख पाओगे। नाउ टर्न द फर्स्ट पीस ऑफ द कार्डबोर्ड अपसाइड डाउन एंड शोन, अब फर्स्ट कार्डबोर्ड का पीस जो है वो उसको हटाकर नीचे रख दो, अब आप देख पाओगे, अब भी देख पाओगे अगर जब आप थर्ड में क्या कर सॉरी नहीं देख पाओगे क्योंकि आपने उल्टा करके रखना है, जब उल्टा कर दोगे तो बेटा वो स्ट्रेट लाइन है वो जो डिस्टर्ब हो जाएगी और अब आपको नहीं दिख पाएगा। ओके नाउ ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस बॉडीज़ क्या होती हैं, ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, अभी हमने न्यू वर्ड्स में पढ़ा था। नॉट ऑल द ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस एमिट और प्रोड्यूस लाइट ऑफ देयर ओन, हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें सभी में से लाइट तो नहीं एमिट होती ना, दे आर विजिबल टू अस बिकॉज ऑफ द लाइट दैट फॉल्स ऑन देम फ्रॉम देयर अदर ऑब्जेक्ट्स दैट हैव लाइट ऑफ देयर ओन, तो वो हमें दिखाई इसलिए देती हैं क्योंकि उन पर दूसरी बॉडीज में से जिनकी खुद की लाइट है उन पर लाइट फॉल करवाते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट आर विजिबल टू अस कैन बी क्लासीफाइड एज ल्यूमिनियस और नॉन ल्यूमिनियस, तो चीज़ें दो तरह की होती हैं ल्यूमिनियस एंड नॉन ल्यूमिनियस। ल्यूमिनियस कौन सी होती हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स आर दोज ऑब्जेक्ट्स दैट एमिट और प्रोड्यूस लाइट ऑफ देयर ओन, जिनकी खुद की लाइट होती है लाइक कैंडल बल्ब या सन। ऑल ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स कैन स्टोर एनर्जी, इन सब में एनर्जी स्टोर होती है, दे आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग हीट, इनसे हीट भी जनरेट होती है, देयरफॉर ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब कौन कौन से हैं, सन स्टार लाइट बल्ब लैम्प लाइटेड कैंडल, ये सभी एग्जाम्पल हैं ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स के। ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स बेटे दो तरह के होते हैं, नेचुरल और मैन मेड, सन और स्टार्स हैं नेचुरल और बल्ब और कैंडल हैं आर्टिफिशियल या मैन मेड, यहाँ लिखा हुआ है कैंडल इलेक्ट्रिक बल्ब बर्निंग कॉयल इलेक्ट्रिक लैम्प, ये सभी मैन मेड और आर्टिफिशियल ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स हैं। अब नेक्स्ट है नॉन ल्यूमिनियस, नॉन ल्यूमिनियस आर दोज विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट, ये खुद की लाइट नहीं होती, दे बिकम विजिबल ओनली वैन दे रिफ्लेक्ट लाइट दैट फॉल्स ऑन दैम फ्रॉम देयर ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स अदर ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स, तो ये हमें कब विजिबल होते हैं, जब अदर ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट्स से इनके ऊपर लाइट फॉल ऑफ होती है। अर्थ इज़ ए नॉन ल्यूमिनियस बॉडी विच इज़ इल्यूमिनेटेड बाय द लाइट फ्रॉम द सन, अर्थ एक नॉन ल्यूमिनियस बॉडी जिसको सन लाइट सन है जो वो उसमें सनलाइट देता है, दैट इज़ वाई इट इज़ एन इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, तो इसलिए सन को इल्यूमिनेटेड सॉरी अर्थ को इल्यूमिनेटेड बोला जाता है। ड्यूरिंग द डे द सन प्रोवाइड सफिशियंट लाइट टू इल्यूमिनेट ऑब्जेक्ट्स ऑन द अर्थ, तो डे टाइम में सन प्रॉपरली इसको इल्यूमिनेट सफिशियंट लाइट प्रोवाइड करता है चीज़ों को विजिबल करने के लिए। द ब्लू स्काई द फ्लोइंग वाटर वाइट क्लाउड ग्रीन ग्रास नेबर कार एंड अ रेड रोज ऑल आर विजिबल द लाइट फ्रॉम द सन एंड बाउंसिंग बैक द इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट एंड एंटर अवर आइज, सभी किसकी वजह से, सन की वजह से। ऑल द प्लैनेट्स एंड देयर मून द सोलर सिस्टम आर इल्यूमिनेटेड ऑब्जेक्ट, जितने भी प्लैनेट्स हैं या उनके मून्स हैं सभी इल्यूमिनेटेड हैं, सभी जो अपनी लाइट हैं वो जो सन से लेते हैं। ओके नाउ ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट और ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, बेटा देखो एक ही ऑब्जेक्ट है जिसमें फर्स्ट डायग्राम में बच्चे ने पकड़ा हुआ है, इसके दूसरी जगह में दिखाई दे रहा है तो ये ट्रांसपेरेंट हो गया, ट्रांसलूसेंट में से कुछ दिखाई दे रहा है और ओपेक में से कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा तो ये ओपेक होते हैं। ओके अमाउंट ऑफ लाइट पासिंग थ्रू एन ऑब्जेक्ट डिसाइड वेदर इज इंपॉर्टेंट ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट और ओपेक, तो एक लाइट कितनी पास होती है उससे पता लगता है कि कौन सी चीज़ ट्रांसपेरेंट है ट्रांसलूसेंट है या ओपेक है। एनी ऑब्जेक्ट दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट इज़ कम्प्लीटली नोन एज ट्रांसपेरेंट, जिसमें से लाइट कम्प्लीटली पास हो जाए उसको बोलेंगे ट्रांसपेरेंट, जैसे कि क्लियर ग्लास प्योर वाटर। ऑब्जेक्ट दैट अलाउ सम लाइट टू पास थ्रू इट, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जिनमें से कुछ लाइट पास होती है उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स, और कुछ ऐसे हैं जिसको एग्जाम्पल है वैक्स पेपर वाटर पेपर, और कुछ ऐसे जिनमें से बिल्कुल भी लाइट पास नहीं होती उसको बोलते हैं ओपेक लाइक वुडन ब्लॉक मेटल शीट एक्सेट्रा। ओके नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक, नाउ वी हैव एन एक्टिविटी गिवन ऑन पेज नंबर 107, इसके लिए आपको क्या करना है, थिन क्लॉथ का पीस लेना है, थिक क्लॉथ लेना है, एक प्लास्टिक स्केल लेना है, एक शीट लेना है बटर पेपर की, एक एल्यूमिनियम शीट लेनी है, ग्लास का पीस लेना है। अब इन सबको अपने क्लासीफाई करना है कि कौन सा ट्रांसपेरेंट है कौन सा ट्रांसलूसेंट है और कौन सा ओपेक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन क्या होता है बेटा, हैव यू एवर थॉट व्हाई यू कैन सी योर फेस इन द मिरर, अब आपको मिरर में आपकी शक्ल क्यों दिखाई देती है, पीस ऑफ वुड में क्यों नहीं दिखाई देती, हैव यू एवर वंडर्ड हाउ वी आर एबल टू सी योर इमेज इन द मिरर और शाइनी मेटालिक, अब मिरर में ही हमें शक्ल क्यों दिखाई देती है, क्योंकि ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की वजह, जिसको बोलते हैं लाइट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके When light falls on a polished surface such as mirror or shiny metallic surface, it bounces back. This bouncing back of the light known
रिफ्लेक्शन, जब किसी बाउंसिंग बैग से या शाइनी मटेरियल पर लाइट फॉल ऑफ होती है तो बाउंस बैक होती है। इसी बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन। द मोर हाईली पॉलिश सर्फेस इज द ग्रेटर विल बी द एक्शन। जितनी हाईली पॉलिश सर्फेस होगी तो एक्शन रिफ्लेक्शन उतना ज़्यादा होगा। दिस फिनोमेना रिफ्लेक्शन इज यूज बाई फोटोग्राफ टू क्लिक फोटोज इन अवर नेचुरल लाइट। इसी फिनोमेना को यूज़ करते हैं फोटोग्राफर्स टू क्लिक फोटोग्राफ। दे यूज लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द वाटर बॉडीज मिरर एंड अदर डिवाइस रिफ्लेक्टिव सर्विसेज टू कैप्चर इमेजेस ऑफ नेचुरल लैंडस्केप एंड वेल एनिमल्स। तो ये इन्हीं नेचुरल लाइट का यूज़ करके काफ़ी सारी फोटोज़ को क्लिक करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ योर चैप्टर इज ओवर, ट्राई टू सॉल्व इट्स बुक वर्क। थैंक यू।